हाँ भाई अहमद, कैसी कलरिंग चल रही है तुम्हारी भाई, दिखाओ। अरे वाह वाह, ये इसमें जो है ना, ये यहाँ इधर ब्लू आएगा और इस पोर्शन में जो है ना ये रेड आएगा। ठीक है, स्पाइडरमैन ब्लू और रेड होता है ना उसमें, है? चलो। मैं तो सोच रही थी कि घर पर दावत करूंगी, लेकिन आपकी तो बहन ही नहीं आई। मैंने ही उसे कहा था कि यहाँ आने की बजाय अम्मी की तरफ चले जाओ। बहुत अच्छे। पता है राफिया, रीच के जाने के बाद से एक बात का शिद्दत से एहसास हुआ है मुझे, वो ये कि नाशुक्री का ताल्लुक हालात से नहीं है, एक कैफियत है जो तुम जैसे लोगों की शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। किस चीज की कमी है तुम्हें बताओ मुझे? पहले से बेहतर नौकरी है मेरी, तुम्हारा बच्चा शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने जा रहा है, तुम्हारी नंद अब यहां से चली गई है, तुम्हारी सास सिर्फ एक रात रुककर यहां से रवाना हो गई, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ मुझे? ऐसा क्या कह दिया मैंने? कुछ कहा तो है नहीं, इतनी ही सारी बातें सुना दी। बस अफसोस कर रहा हूं तुम पर, एक आदत तो खुलकर तुम्हारी मेरे सामने आ गई, वरना मैं यही समझता था कि मैं तुम लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा हूं। ये बातें मैं अरीज के सामने भी कह सकता था, लेकिन उसके जाने के बाद मैं तुमसे ही सारी बातें कह रहा हूं। उसके सामने कहता तो आग लग जाती, तो इसलिए अरीज के जाने के बाद तुमसे ये सब बातें कर रहा हूं। कुछ सीखो अरीज से, एक के बाद एक इम्तिहान से गुजरने के बावजूद भी उस लड़की के जबान से उफ तक नहीं सुनी। कभी वक्त मिले ना तो सोचना।